तो अंकल के बताने के बाद मैंने 2-3 मिनट वेट किया, और इतने में पुलिस वाले अंकल आ गए बाइक लेके। तो उन्होंने पूछा कहाँ से आया है, क्या कर रहा है। सिंपल सिंपल चीज़ें पूछी। फिर बोला नहीं बेटा, यहाँ पर तो रात को लाइट बंद हो जाएगी और लोग भी आना इधर बंद कर देंगे, और यहाँ पर बड़े इल्लीगल वर्क भी होते हैं, तो यहाँ पर तो आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और अगर मैं परमिशन दे दूँगा तो दूसरा पुलिस वाला आएगा पेट्रोलिंग के लिए, फिर वो तुम्हारी दिक्कत करेगा, तो तुम और कुछ जुगाड़ करो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पूरा अहमदाबाद घूमने के बाद अब मैं जा रहा हूँ सूरत। तो मेरे होस्ट ने मुझे हाईवे पे उतार दिया, और उससे वडोदरा एंड सूरत हाईवे अराउंड 10 किलोमीटर दूर था। तो उन्होंने मुझे एक सिग्नल भी उतार दिया था, वहाँ से तो ईजी था चेकिंग करना। तो मैंने एक बाइक वाले भाई साहब से बोला कि आप मुझे 10 किलोमीटर आगे एक हाईवे पर छोड़ दोगे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बैठा जाओ बैठ जाओ। तो उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। अब मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर टोल बूथ है, तो यहाँ से ईजी होगा चेकिंग करना, क्योंकि बहुत गाड़ियाँ और ट्रक रुक रहे हैं। और आगे थोड़ा दूर आगे मेन हाईवे है, उस पर तो गाड़ियाँ बहुत फास्ट चल रही है। तो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से चेकिंग करना, क्योंकि मुझे मिल जाएगी बहुत ईजी ही चेकिंग हो जाएगी आज। दोस्तों फाइनली मुझे लिफ्ट मिल गई है वडोदरा तक। तो वडोदरा है अहमदाबाद से अराउंड 100 किलोमीटर, उसके बाद में वडोदरा से सूरत बचेगा अराउंड 150 किलोमीटर। तो आप लोग देख सकते हो मैं आज चेकिंग ट्रक में कर रहा हूँ। ये एक न्यूज़पेपर कैरियर ट्रक है, गुजराती न्यूज़पेपर लेके जा रहा है ये ट्रक। तो 4-5 मिनट तक मैं वेट करा था, लिफ्ट मांग रहा था, कोई नहीं रोक रहा था। फिर ये भाई साहब आए, तो बस मैंने एक स्माइल पास की और इन्होंने रोक लिया। और मेरे पास में एक औरत और एक आदमी भी खड़े थे, तो उन्होंने भी हाथ दिखाया, तब शायद उनके लिए भी रोक दिया हो। तो अंकल आए तो बोले कि तुम 3 जने हो, तो सारा सामान मेरा बैग ये सब का ये कपड़े कि नहीं आएंगे। तो उन्होंने पीछे ट्रक खोला और फिर हम सब सारा सामान अंदर रख दिया। फिर मुझे थोड़ा सा ऐसे शक हुआ कि शायद ये पैसे लेंगे, तभी ये इतना कुछ कर रहे हैं। बस 3-3 लोगों को इतना एडजस्ट करके कौन ले जाता होगा। तो मैंने उन भाई साहब से पूछा जो खड़े थे अपनी बीवी के साथ, तो मैंने कहा कि ये पैसे लेंगे, तो उन्होंने हाँ पैसे लेंगे। फिर मैंने ड्राइवर को समझाया, उसको हिंदी नहीं आती थी, गुजराती आती थी, और मुझे गुजराती नहीं आती थी। तो मैंने ट्राई किया थोड़ा समझाने, तो वो समझ गया कि कैसे कैसे जा रहा है। मतलब अंदर मैं स्लिप ले लेकर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो पैसे नहीं दूंगा मैं आप जाऊँगा। अंकल ने बोला कोई बात नहीं, ये अंकल आंटी तो पैसे देके जा रहे हैं, तो उनको मैं आगे बैठा लेता हूँ, तू पीछे बैठता। तो मैं इधर पीछे बैठ गया, और अच्छा ही है वहाँ पर भीड़ होती, और अब अंकल मुझे फ्री में ले जा रहे हैं, तो अंकल का शुक्रिया। तो ट्रक वाले भाई साहब ने मुझे पीछे उतार दिया था, और अब सूरत रह गया इस साइड। साइड लिफ्ट में बहुत ही मुश्किल है, पूरा हाईवे और गाड़ी सुपर फास्ट जा रही है। बस मेरे पीछे से मुश्किल जा रहे हैं, मैं ट्राई कर सकता हूँ यहाँ पर कोने में, बट आगे जाऊँगा तो मुझे लिफ्ट मिलेगा 1% भी चांस नहीं है। तो देखता हूँ यार लिफ्ट मिल जाए, क्योंकि अभी थोड़ा मुश्किल होने वाला है। स्टोरी समझ लो, हुआ यूँ कि मैं जा रहा था अहमदाबाद से सूरत, बट मुझे पहली चेकिंग की मैंने एक ट्रक से, उसने छोड़ा मुझे अहमदाबाद से वडोदरा, और वडोदरा से मुझे लिफ्ट मिली। वो सूरत जा रहा था, बस सूरत से भी आगे वो जा रहा था वापी तक, और वापी पड़ता है दमन एंड दीवू, दमन के एकदम नज़दीक पड़ता है। मैंने सोचा सूरत में इतना कुछ खास नहीं है घूमने वाला, मैंने सोचा मैं आज दमन चला जाऊँ। तो उसने मुझे वापी में उतार दिया, और वापी से अभी तक दमन अराउंड 15 किलोमीटर दूर है। और अभी मैं जस्ट उतरा था, अभी ट्रक से अभी जा रहा हूँ, तो देखता हूँ अगर हिचहाइकिंग मिलेगी कुछ, देखते हैं यार। बस भी नहीं मिलने वाली अभी तो। और एक प्रॉब्लम बता दूँ कि मेरे पास आज कोई भी काउच सर्फिंग के लिए होस्ट नहीं है, और मैंने booking.com पे होटल्स और हॉस्टल दोनों चेक किए, अराउंड 1000 से नीचे कोई भी हॉस्टल होटल कुछ नहीं मिल रहा है दमन में, ना ही वापी में। तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आज, देखता हूँ कैंपिंग करूँगा आज, जिंदगी की पहली कैंपिंग आज करूँगा। आगे एक बस स्टैंड देखता हूँ, उसमें शायद दमन के लिए कोई बस मिल जाए। बहुत रात हो गई, और एक प्रॉब्लम हो रही है यार यहाँ पर, ये सी कोस्टल के पास होने के कारण इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, थोड़ा सा चला इतना भयंकर पसीना आ रहा है। मैंने तो कोट पैसे पहना था ट्रक के अंदर, बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगी थी, बट यहाँ पर आने के लिए तो पसीना पसीना हो चुका है सब। तो बस स्टैंड पर आ गया हूँ, और अभी देखते हैं थोड़ी देर में बता रहे हैं बस आने वाली है, तो जैसे बस मिलती तो बताता हूँ। तो सीन क्या हुआ है, अभी अभी मैं बैठा था आराम से, फिर मैंने सोचा उधर पानी है, तो मैं सुबह थोड़ा मुँह धो लूँगा, नींद आने लगी थी थोड़ी थोड़ी।
तो फिर एक अंकल आके पहले बैठ गए थे, मैं उनको क्या बस में आगे बैठ गया। फिर मैंने पूछा कि बस कौन सी जाएगी, तो उन्होंने बताया आधी घंटे में ऐसे जाएगी बता रहे थे। फिर ऐसी बातें चलने लगी कि वो बोले मैं गोवा साइड महाराष्ट्र से हूँ, मेरा पॉकेट मार किसी ने फोन किए, पर्स और फ़ोन चुराई चोरी कर लिया, ट्रेन में सो गए थे रात को, सूरत आए हुए थे। तो मुझे थोड़ा शक तो आया कि यार इनको यहाँ के लोकल का इतना कुछ ज़्यादा पता है, बट मैंने सोचा फिर भी यार उन्हें कह रहे कि मेरे भूख लगी हुई है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, चाय भी नहीं पी है। तो मैंने उनको 50 रुपये दे दिए कि मैं भी कोई गरीब होने वाला नहीं 50 रुपये में, और शक करके क्या है यार एकदम सही लग रहे थे। आईडी भी उन्होंने दिखाई, अब ट्रेन की टिकट भी दिखाई, तो मैंने उनको 50 रुपये दे दिए, कम से कम पेट तो भर जाएगा उनका। फाइनली बस में मैं बैठ गया हूँ, बहुत ही पुरानी बस है, और 4-5 मिनट में मैं दमन पहुँच जाऊँगा। फिर देखता हूँ कुछ खाना खाता हूँ, बस से कुछ खाया नहीं है, फिर कोई कैंपिंग रहेगा जुगाड़ करते हैं। तो मैं एक होटल में आ गया हूँ, अब खा रहा हूँ चिकन बिरयानी, और खाना खाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। क्वालिटी को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना, क्योंकि रात को तो कुछ ऐसा ही दिखेगा, कुछ क्लियर तो दिखेगा नहीं। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक गार्डन में, वहाँ पर मैं कैंपिंग करने की ट्राई करूँगा। और आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, अराउंड रात के 8 बज चुके हैं, और मेरे पीछे देखो इतना बहुत मस्त, बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। कैमरे में तो पता नहीं सही से दिखेगा या नहीं दिखेगा, बट आंखों से विजिबिलिटी अभी सही है, कैमरा की तो परफॉर्मेंस ख़राब हो गई होगी अभी तक। और मैं आपको वो बताना भूल गया कि वो बस की टिकट मुझे 12 रुपये की पड़ी, 12 किलोमीटर था, तो बहुत ही सस्ती बस सर्विस थी, तो उसने मुझे छोड़ दिया बस स्टैंड पर। मैंने वहाँ पर चिकन बिरयानी खा ली 100 रुपये की, कोई बात नहीं, सुबह से कुछ खाया नहीं था तो आराम से पूरा पेट भर के खा लिया है। अब बस जाके सोना है, बस बढ़िया सी जगह मिल जाए और आराम से सो जाऊँ, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आने लगी है, अब थक गया हूँ, पूरे सुबह चला था चेकिंग करता करता, रात हो गई चेकिंग करते करते। उधर पीछे दो भैया बैठे थे, मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर थोड़ा फोर्ट एरिया, उसके आगे गार्डन है, तो मैंने बोला यहाँ पर मैं कैंप भी कर सकता हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं यार सो तो जाओगे पर रात को फिर पुलिस वाले आके आपको परेशान करेंगे, तो इससे अच्छा आप जंपर बीच चले जाओ। तो दोस्तों इतनी सुनसान सुनसान गलियों से मैं आया हूँ निकल के बाहर, मतलब ऐसे मैं तो रोंगटे खड़े हो गए थे, एकदम पूरा गद होने लगा था, एकदम पूरी शांति है, एकदम पतली सी गलियाँ हैं, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, जंगल टाइप का है, और कभी कुछ उसमें पत्ते ऐसे बज रहे हैं, कुछ एकदम भूतिया टाइप का, पूरा हॉरर वाली मूवी बनने वाली थी, मेरे तो धक होने लगी थी। बट अब हाईवे पर आ गया तो बहुत ज़्यादा ऐसे मन को शांति मिली है, नहीं मैंने आज पता नहीं कहाँ जंगल में आ गया, बेयर ग्रिल्स बन गया था, जंगल में आ गया था बहुत। अब देखता हूँ थोड़ी दूर और 1 किलोमीटर बचा है, राउंड में 3 किलोमीटर चल रहा हूँ और 1 किलोमीटर दूर हो बचा है जामपुर बीच, उस पर मैं कैंपिंग कर सकता हूँ। मैंने लोकल से पूछा था यार, बहुत दूर, रात को कोई गाड़ी कुछ मिल भी नहीं रहा है, ऑटो तो 4 किलोमीटर चलना पड़ा, खाना खा के इतना सारा वजन है, सह लेंगे थोड़ा कोई बात। ये इस साइड सड़क है जिस पर गाड़ी है, अभी थोड़ी एक दो गाड़ी चल रही है, आगे एक दो लोग चल रहे हैं फुटपाथ पे, और आपको इस साइड अंधेरा दिख रहा है ना, इस साइड सारा समुंदर है, मेरे को थोड़ा धीरे धीरे लो विजिबिलिटी के साथ दिख रहा यार इतना बड़ा समुंदर, समुंदर तो बड़ा होगा ऑब्वियसली, बट इतना बड़ा मैंने तो कभी नहीं देखा था ऐसा कुछ, बहुत ही एकदम खतरनाक ड्रावनी वाइब्स आ रही है मेरे को तो देख के। बस जल्दी से कैंपिंग का कुछ जुगाड़ हो जाए, सामने मेरे को बीच दिखना तो स्टार्ट हो गया, बहुत दूर है, कम से कम 1 किलोमीटर दूर बीच दिखना स्टार्ट हो गया, वहाँ पर जाके कैंपिंग करके सोऊंगा, फिर सुबह आपको दिखाऊंगा पूरे समुद्र के नज़ारे। तो सामने जो दो अंकल जा रहे हैं उन्होंने मुझे बताया कि बेटा तुम जा रहे हो बीच पे सोए, वहाँ पर ज़्यादा सही रहो, तो मैं भी थोड़ा इधर ही उधर नहीं जा रहा बीच पर, उन्होंने बोला कि रात को पूरा बीच सुनसान हो जाएगा और ख़तरा है ऐसी जगह, और पुलिस वाले भी थोड़ी प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो यहाँ पर पुलिस वाले आएंगे थोड़ी देर के बाद पेट्रोलिंग करने के लिए, तो बोले उनसे परमिशन ले लेना, वो बता दें कहाँ सोना है, और अगर वो नहीं बोले तो पास में पेट्रोल पंप है वहाँ पर जाके सो जाना। तो अंकल के बताने के बाद मैंने 2-3 मिनट वेट किया, और इतने में पुलिस वाले अंकल आ गए बाइक लेके, तो उन्होंने पूछा कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, सिंपल सिंपल चीज़ें पूछी, फिर बोला नहीं बेटा यहाँ पर तो रात को लाइट बंद हो जाएगी और लोग भी आना इधर बंद कर देंगे, और यहाँ पर बड़े इलीगल वर्क भी होते हैं, तो यहाँ पर तो आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और अगर मैं परमिशन दे दूँगा तो दूसरा पुलिस वाला आएगा पेट्रोलिंग के लिए, फिर वो तुम्हारी दिक्कत करेगा, तो तुम और कुछ जुगाड़ करो। तो यार अब एक अंकल ने बताया कि पेट्रोल पंप आगे वहाँ पर पूछ लो, तो वहाँ पर जा रहा हूँ पूछने के लिए, देखते हैं क्या होता है। और हवा एकदम ठंडी ठंडी मस्त आ रही है यार, कैंपिंग करता तो बहुत मज़ा आता,
और समुंदर का शोर भी सुनाई दे रहा है सूं सूं ऐसे। तो फाइनली गाइज मुझे एक पेट्रोल पंप पे कैंपिंग की जगह मिल गई है, तो अराउंड 10:30 हो गए, तो अब मुझे भी बहुत नींद आ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी सो जाऊँ, तो सुबह 8 बजे तक सोऊंगा। 8 बजे तक परमिशन दे दी कि 8 बजे तक आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं है इधर, और पास में ही टॉयलेट और बाथरूम है तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आप वीडियो पसंद देख रहे हो तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मेरी तरफ से भाई गुड नाइट, सो जाओ, तुम भी सो जाओ, मेरे को भी सोने दो।